बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशकी सेट 5.3 का पहला सवाल मुस्ततील ए बी सी डी के भीतर एक दूसरे को नुकता ऊपर कता करते हैं, यानी ज़ोर बतुल इज़्ला ए बी सी डी क्या है? मुस्ततील है और वो उसके भीतर एक दूसरे को नुकता ऊपर कता करते हैं। अगर ए सी बराबर 8 सम तब बी ओ मालूम कीजिए, और जाविया अगर जाविया सी ए डी बराबर 35 दर्जे हो तब जाविया ए सी डी ए सी डी मालूम कीजिए, ए सी बी मालूम कीजिए, ए सी डी नहीं ए सी बी मालूम कीजिए। अगर हमें क्या दिया हुआ है, सी ए डी 35 दर्जे से जाविया ए सी बी मालूम कीजिए। चलिए बहुत आसान है, दिया हुआ क्या के हल में लिखेंगे जवाब नंबर एक के अंदर के ज़ोर बतुल इज़्ला ए बी सी डी मुस्ततील है, ए सी 8 सम है और जाविया सी ए डी 35 दर्जे है, बी ओ मालूम करना है और ए सी बी मालूम करना है। मुस्ततील के मुतालिक हमने देखे हैं कि मुस्ततील के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, हर जाविया कायमा होता है, इसी तरह भीतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। अब यहाँ पर कौन सी खसूसियत हम इस्तेमाल करेंगे मुस्ततील की, ये देखेंगे पहले कि भीतर ए सी बराबर 8 सम दिया है, तो भीतर ए सी बराबर बी डी क्यों? मुस्ततील के भीतर मुतमासिल होते हैं, तो बी डी भी कितना हो जाएगा 8 सम, इसलिए बी डी बराबर 8 सम क्यों? क्योंकि ए सी 8 सम है क्या नहीं। अब यहां पर देखेंगे बी ओ मालूम करना है, क्या मालूम करना है, बी ओ, तो बी ओ मालूम करेंगे तो बी ओ बराबर किसका निस्फ होगा, बी डी का 1/2 बी डी बराबर, यहां पर वजह लिखेंगे मुतमासिल के भीतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। इसीलिए बी ओ बराबर 1/2 बी डी, इसीलिए बी ओ बराबर 1/2 जर्ब 8, 2×1=2 के पाड़े में 8 कब आता है, 4 नंबर पर, तो इसीलिए बराबर क्या आ रहा है, बी ओ बराबर 4, बी ओ बराबर 1 जर्ब 4 सम, बी ओ हासिल कर लिया हमने। अगर उस वो कहता था कि डी ओ मालूम कीजिए तो वो भी 4 सम, ए ओ मालूम कीजिए वो भी 4 सम, सी ओ वो भी 4 सम क्यों? क्योंकि वितर मुतमासिल होते हैं और एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। समझ में आया, तो ये जो है मसावी होंगे। अब जाविया सी ए डी बराबर 35 दर्जे, जाविया सी ए डी बराबर 35 दर्जे, और कौन सा जाविया मालूम करने का बोल रहा है, जाविया ए सी बी, तो यहां पर देखेंगे के मुतवाजिल इजला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल और मुतवाजी भी होते हैं, तब ये जो है उल्टा जेड बन रहा है, तो ये जाविये के मुतमासिल होंगे, और कौन से जाविये होंगे, मुतबादला जाविये, दूसरे से मुतवाजी खतूत। इस सबक की खसूसियात इस्तेमाल करेंगे कि अब ए डी मुतवाजी है बी सी और ए सी खते तकाता है, इसीलिए जाविया बी सी ए या ए सी बी, बी सी ए या ए सी बी किसके मसावी होगा, जाविया डी ए सी, और वजह लिखेंगे मुतबादला
जावी। क्यों? क्योंकि दो खतूत मुतवाजी है और एक खते तक आता है, तो मुतबादला जाविये मसावी होते हैं। मुतवाजी खतूत में हमने देखे, इसलिए जाविया ए सी बी बराबर, जाविया डी ए सी कितना है? 35 दर्जे। डी ए सी यानी सी ए डी कितना है? 35 दर्जे। तो जाविया ए सी बी भी हमने हासिल कर लिए 35 दर्जे। इसीलिए जवाब में बी ओ बराबर 4 सम और जाविया ए सी बी बराबर 35 दर्जे ये हासिल किए। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 2 के ज़ोरबतुल्इज़ला पी क्यू आर एस एक मोयन है। मोयन के खसूसियात अब भी देखे हमने कि मोयन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं, मसावी पैमाइश के होते हैं। इसी तरह हर ज़िला मसावी होता है। अब देखते हैं यहाँ पर दो ज़िले दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ मुतमिम होता है, दो मुत्तसिल जावियों की पैमाइश का मजमुआ मुतमिम होता है, ये देखे हमने। अब कौन सी खसूसियात इस्तेमाल करेंगे? इधर देखेंगे पहले दिया हुआ क्या है। ज़ोरबतुल्इज़ला पी क्यू आर एस एक मुयन है। मुयन आते से ही हमारे दिलो दिमाग में तमाम खसूसियात उसके आ जानी चाहिए, ताकि हम कौन सी खसूसियात यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। अगर पी क्यू बराबर 7.5 सम, पी क्यू बराबर 7.5 सम, तो हर जिला की लंबाई वही रहेंगी, तो क्यू आर मालूम कीजिए। क्यू आर मालूम करना है, चलिए वो भी मालूम कर लेंगे। जाविया क्यू पी एस कितना है? 75 दर्जे हो तब जाविया पी क्यू आर मालूम कीजिए और जाविया एस आर क्यू मालूम कीजिए। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि ज़ोरबतुल्इज़ला पी क्यू आर एस मुय्यन है, पी क्यू बराबर 7.5 सम, जाविया क्यू पी एस बराबर 75 दर्जे, और जो जो मालूम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू बराबर क्यू आर, वजह मुय्यन के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। इसीलिए पी क्यू बराबर क्यू आर, और क्यू आर क्या है? तो पी क्यू क्या दिया हुआ है हमें? 7.5 सम। इसीलिए क्यू आर बराबर 7.5 सम ये हासिल हो गया है क्यू आर। अब क्या हासिल करना है? जाविया पी क्यू आर, जाविया पी क्यू आर, तो जाविया एस पी क्यू या क्यू पी एस कितना दिया हुआ है? 75। तो इसका मुतसिला जाविया, जाविया पी क्यू आर है। तो दोनों कौन सी खसूसियात इस्तेमाल करेंगे कि मुय्यन के दो मुतसिला जावियों की पैमाइश मुतमिम होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे मुय्यन के मुतसिला ज़िले, मुतसिला जाविये या मुतसिल जाविये क्या होते हैं? मुतमिम, मुतमिम यानी 180 दर्जे के जाविये। इसीलिए जाविया क्यू पी एस जमा जाविया पी क्यू आर बराबर 180 दर्जे। जाविया क्यू पी एस कितना है? 75 दर्जे जमा जाविया पी क्यू आर बराबर 180 दर्जे। यहाँ पर देखेंगे जाविया पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? जमा 75 बराबर के अलामत से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, नफी हो जाएगा, इसीलिए 180 नफी 75। इसीलिए जाविया पी क्यू आर बराबर 180 में से 75 गए कितने बचे? 105 दर्जे। तो जाविया पी क्यू आर कितना आ रहा है? 105 दर्जे। अब देखेंगे यहाँ पर जाविया एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर क्यू किसके मुकाबिल का जाविया? जाविया क्यू पी एस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम के
मुयन कौन सी खसूसियात इस्तेमाल करेंगे कि मुयन के मुकाबिल के जावी मुतमासिल होते हैं, मुतमासिल होते हैं, इसीलिए जाविया क्यू पी एस बराबर जाविया एस आर क्यू, और ये बराबर क्या होगा 75 दर्जे, इसीलिए जाविया एस आर क्यू बराबर कितना आ रहा है 75 दर्जे। तो हमने तीनों भी चीजें हासिल कर ली है, इसलिए जवाब में लिखेंगे क्यू आर बराबर 7.5 सम जाविया पी क्यू आर बराबर 105 दर्जे और जाविया एस आर क्यू बराबर 75 दर्जे। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे के सवालात हल करेंगे।